and welcome back to our channel Belleza Blush. So I'm so excited to share with you this beautiful होली makeup look, guys. इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको अपने चार पे शेयर कर चुकी हूँ होली की स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स भी. अगर आपको जानने हैं तो जल्दी से जाओ और चैनल के वीडियोस को स्क्रॉल करो और देखो नीचे मैंने बहुत अच्छे होली के टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं. बट आज मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगेन आई हूँ आपके लिए दोबारा से लेके ये प्रिटी सा मेकअप होली लुक. ऑल्सो यही नहीं, इस मेकअप लुक के साथ में शेयर करूंगी आपको टिप्स कि आपको किस तरीके से मेकअप करना है. तो आई एम नॉट गोइंग विद वेरी वेरी लाउडर मेकअप बिकॉज आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिकल मेकअप. यार मैं ऐसा भी कर सकती थी बट ऐसा मैं नहीं करूंगी. सिर्फ इसमें आपकी आईज पॉपअप होने वाली है और मेकअप जो लुक है गाइज वो सब लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट यूज करने अपने स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग. जल्दी से रेडी हो जाते हैं होली के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको अपने बेस का बहुत ख्याल रखना है होली पे, क्योंकि हम ऐसा भी कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, बहुत हैवी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे अपने फेस के ऊपर, बिकॉज यार आफ्टर ऑल इट्स आवर स्किन. ठीक है, तो मुझे लगता है मेकअप से ज्यादा स्किन केयर इज मोर इंपॉर्टेंट. तो हम ऐसे मेकअप यूज करेंगे, ऐसे मेकअप प्रोडक्ट यूज करेंगे जिससे यार बेस हैवी भी नहीं बनना चाहिए लेकिन ग्लोई भी लगना चाहिए. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज टू बेस. एज द बेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे टोनर अपने फेस के ऊपर. आई एम यूजिंग हियर दिस लव चाइल्ड टोनर. आज के लिए मेरा बहुत फेवरेट टोनर है, तो ठीक है टोनर जरूर करना है इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, इफ यू हैव अ ऑयली स्किन, इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, बट आपको टोनर यूज करना है. अगर मेक श्योर वो अल्कोहल फ्री हो गाइज, तो आप इस तरीके से टोनर यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आई एम यूजिंग हेयर निविया का मॉइस्चराइजर. एंड द लास्ट थिंग यू नीडेड दैट सबको स्टेबल करने के लिए आपको सिर्फ यूज करना है वाटर प्रूफ मेकअप गाइज, ताकि जो है पिक्चर में पांडा आईज की जगह जो है आप अपना सर नीचे ना करो और आप अच्छे से दिखो होली में भी. तो चलिए एक स्मूथ एंड फ्लॉलेस बेस का की है यार टेक्निकल इश्यूज गाइज, वीडियो ये वाली डिलीट हो गई है बीच की. तो यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर में लगाया है पिंक कलर का शेड और इनर कॉर्नर पे लगाया है येलो कलर का शेड. वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं लगा रही हूँ ब्रोबोन के नीचे. तो ये लगाना ज़रूरी है बिकॉज इसी से आपका आई लुक एनहांस भी होता है, नीट एंड क्लीन भी लगता है. एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर पॉप का ये आई लाइनर, बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही बेस्ट आई लाइनर है. सो टोटली योर विश ना हो कि आप इसके ऊपर आई लाइनर लगाना चाहते हो तो इट्स ओके, यू कैन गो विद द लाइनर. बट अगर नहीं चाहते हो, मैं यहाँ पे लाइनर नहीं लगाने वाली हूँ गाइज, बिकॉज ऑब्वियस लाइनर जो है उसकी कहीं ना कहीं जो चीजें वो ना हाइड हो जाएगी कलर के पीछे. बिकॉज अगर हम होली मेकअप क्रिएट कर रहे हैं और हम अपने फेस के ऊपर कुछ कलरफुल क्रिएट कर रहे हैं, यू नो आईज पॉपअप कर रहे हैं, तो आई लाइनर उसको कहीं ना कहीं हाइड कर देगा. और वैसे भी होली के मेकअप में आई विल नेवर रिकमेंड यू टू अप्लाई द लैशेज, तो आई विल जस्ट पॉप आउट माई होल दो जो आईलिड एरिया है उसको. यहाँ पे गाइस आपको कोई भी ट्रांजिशन लाइन नहीं देखनी है, क्रीज लाइन नहीं देखनी है, बस अपने आईज के ऊपर कलर पोट करके इसे ब्लेंड करना है. सो सिंपल टू डू दिस होली मेकअप. एंड देन मैं कलर की हेल्प से अपनी ब्रॉज को अपलिफ्ट कर रही हूं. सो मस्कारा मैं कोट कर रही हूं मार्स का स्टेप वन एंड स्टेप टू वॉल्यूमिनस अपनी आईलैशेस के ऊपर. So now eye look is done. Now बढ़ते हैं हम बेस की तरफ. प्राइमर हमने लगा लिया अपने फेस के ऊपर. नाउ हम अप्लाई करेंगे बहुत ही एक लाइटवेट सीसी क्रीम या बीबी क्रीम, आइदर इट्स अप टू यू फाउंडेशन. कोई भी हैवी फाउंडेशन को लगाने से अवॉइड करें, स्पेशली ड्राई स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले, बिकॉज क्या होगा अगर आप खेलोगे होली में ना, तो उतनी भी चीजें बहुत हैवी लेयर जो है वो मिक्स होके होली के कलर्स में यू नो आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो सकता है, विच विल बी वेरी वेरी हार्मफुल टू योर स्किन. तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे एक बहुत ही लाइट वेट शीयर कवर फाउंडेशन, आइदर बी सीसी क्रीम, बीबी क्रीम. ऑयली स्किन वाले ये वाली सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले ये वाली सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. एंड मेरे पास है अभी लैक्मे की सीसी क्रीम विच इज वन ऑफ माय फेवरेट. आप देखोगे यार सीसी क्रीम भी अच्छा खासा कवरेज दे देती है. With the help of wet beauty blender, we will blend it. So I'm going to be using here inside का बनाना पाउडर. ये ठीक है हल्की फुल्की कवरेज देने के लिए, बिकॉज हम कुछ हैवी क्रिएट नहीं कर रहे अपने फेस के ऊपर, तो हमें कवरेज भी बहुत ही नेचुरल और लाइटर चाहिए. बिकॉज हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं कंसीलर लगाना, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ डायरेक्ट यहाँ पे लूज पाउडर. So I will cover my under eye area specially because वहां मैंने कोई कंसीलर नहीं लगाया है और कुछ नहीं लगाया है, तो उस एरिया को मैं अच्छे से कवर अप करूंगी.
नाउ आई एम यूजिंग हियर शुगर कंट्रोल द फोर्स फेस पैलेट और गाइस 02 है इसका शेड विद विक्ट्री से है एंड इसमें आपको हाईलाइटर ब्रॉन्जर और ब्लशर मिल जाता है एंड सो सॉरी गाइस कुछ पता नहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी टक 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 आई जा रही है इट्स रियली डिस्टर्बिंग बट आप सिर्फ फोकस करो इस पे है यार और ब्रॉन्जर भी बहुत ही सेटल है इवन हाईलाइटर भी बहुत सेटल है इट्स परफेक्ट टू गो फॉर द होली लुक और एनी काइंड ऑफ ए लाइट वेट मेकअप लुक आई थिंक बहुत ही अच्छा ये पैलेट है तो गाइज अगर आप एवरीडे मेकअप लुक करते हो तो प्लीज ये पैलेट जरूर होना चाहिए आपके वैनिटी में सो नाउ ब्रॉन्जर इज सेट एंड ब्लश इज सेट नाउ इट्स टाइम फॉर हाईलाइटर हाईलाइटर के लिए भी मैं सेम यूज कर रही हूँ यही ब्लश पैलेट बिकॉज इसका हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है तो हम थोड़ा सा ये हाईलाइटर लगाएंगे एंड आर बेस इज डन इट्स वेरी वेरी नेचुरल उसके बाद गाइज मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये बोल्ड मैट लिप लाइनर दिस वन इज माई फेवरेट इफ यू वॉन्ट टू गो इन अफोर्डेबल रेंज दिस वन इज द परफेक्ट लिप लाइनर फॉर यू सो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला लाइनर देन आई एम यूजिंग माई फेवरेट लव अर्थ लिक्विड मूव मेक श्योर गाइज लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले आप लिप बाम जरूर लगा लेना अपने लिप्स के ऊपर अदरवाइज बहुत ज्यादा ड्राई हो सकते हैं लिप्स गाइज मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिटर लगाया है तो अभी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट मैं तो एक बहुत ही फंकी सी चीज़ हो गई है ये जो मैंने लगाया है अपने यहाँ पर एक बहुत ही फंकी सा और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है एंड गाइज नाउ दिस मेकअप लुक इज डन अब रहता है हमें ड्रॉप शेडो लगाने के लिए तो ड्रॉप शेडो अगर हम ग्रीन यूज करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा मेहंदी काइंड ऑफ लुक लगेगा सो नियॉन कलर आज प्ले करते हैं इसके साथ सो लेट्स स्टार्ट सो यू कैन सी इट्स टोटली मेकअप लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दिया है इस नियॉन कलर के ड्रॉप शेडो ने सो हल्का सा मैं आउटर वी पे ब्लूइश कलर का टोन दूंगी इस पे इंकिश ब्लू देते हैं वो अच्छा लगेगा एंड इसके बाद थोड़ा सा मस्कारा कोट करेंगे आप फॉर एवर 52 का सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो या फिर इसके अलावा कोई ग्लो स्प्रे यूज कर सकते हो तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फिक्सर बेसिकली मेकअप फिक्सर मैं यूज करूंगी यहाँ पे सो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा मेकअप लुक जो है फिनिश होता है बट इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है गाइज इसकी वीडियो आने वाली है तो वो जरूर देखना और बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही ईजी है एंड ये लगता भी बहुत सुपर सुपर क्यूट है तो आई जस्ट लव दिस फॉर द होली लुक कलरफुल सा लग रहा है और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है एंड बिंदी के लिए यहाँ पे ऑप्शन थी तो मैंने लगा ली बिकॉज मुझे थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा लग रहा था तो यहाँ मैंने बिंदी लगाई है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज आई होप यू लाइक दिस लुक एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इस होली पे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड टू कमेंट बिलो बाय